हमारी नई रेसिपीज को जानने के लिए सब्सक्राइब करें श्रुतिकास किचन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, श्रुतिकास किचन में आप सभी का स्वागत है। परमल की खिचड़ी यानी कि ममरा खिचड़ी के बाद आज मैं आपके लिए एक और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, वेजिटेबल ममरा या फिर वेजिटेबल परमल भी बोल सकते हैं। इसे आप शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे हम कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 कप टमाटर चॉप्ड, 1/2 कप शिमला मिर्ची चॉप्ड, मटर उबले हुए 1/2 कप और हरा धनिया पत्ती गार्निश करने के लिए पानी, ममरा जिसे परमल भी बोलते हैं और ऑयल। सबसे पहले हम हमारे जो परमल है, ये मेरे 2 प्लेट परमल है, तो इसे मैं भिगो दूंगी 5 मिनट के लिए पानी डाल के। 5 मिनट के बाद इसका पूरा मैं पानी निकाल लूंगी। तो 5 मिनट हो गए थे तो मैंने इसके बाद इसका परमल का पूरा पानी निकाल दिया है ममरे का और इसे सूखने के लिए रख दिया है। जब तक इसका पानी पूरी तरीके से सूखता है तब तक हम इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो आइए अब इसका बघार करते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं ऑयल ले रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल लिया है। तो हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं राई डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब, करीब 1 टीस्पून के करीब। राई डालने के बाद मैं इसमें हींग डालूंगी 1/4 टीस्पून हींग, इसके बाद हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हरी मिर्ची के बाद मैं इसमें लाल मिर्ची डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार मिक्स कर रही हूँ सबको अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी और टमाटर को मैं अच्छी तरीके से फेंकूंगी अच्छी तरीके से, इसे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है, तो सॉफ्ट होने तक मैं टमाटर को फेंकूंगी अच्छी तरीके से, इस तरीके से दबा दबा के। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो टमाटर सॉफ्ट होने के बाद हमने इसमें कैप्सिकम और मटर डाल रही हूँ, बॉईल किए हुए हैं मटर, बॉईल करने से मटर सॉफ्ट हो जाती है। और नमक हमने पहले ही डाल दिया था तो इससे हमारी जो वेजिटेबल्स हैं बहुत जल्दी पकेंगी। अभी मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल के इसमें मिक्स कर रही हूँ पूरे में गरम मसाले को। हमारी सब्जियाँ भी अच्छी तरीके से सिक गई हैं। और अब आखिरी में मैं इसमें परमल डाल रही हूँ, ममरा भीगे हुआ, इनका पानी भी निकल गया और इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी
तक ये मिक्स नहीं हो जाता, हम इसे चलाते रहेंगे। जो हमारे परमल अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, तो आखिरी में मैं इसमें धनिया पत्ती डालूंगी बहुत सारी और धनिया पत्ती को भी मिक्स करके मैं इसे सर्व करने के लिए निकाल लूंगी। तो हमारे वेजिटेबल ममरा या फिर इसे आप वेजिटेबल परमल भी बोल सकते हैं, सर्व करने के लिए रेडी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आप अगली रेसिपी क्या देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल श्रुतिकास किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।